72 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो बड़े दुश्मन एक साथ आ गए हों। इन 72 सालों में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसराइल और यूएई में शांति समझौता हो सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये एक साधारण शांति समझौता है तो आप गलत भी हो सकते हैं। ये शांति समझौता भले ही इसराइल और यूएई के बीच हुआ हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा भारत और यूनाइटेड स्टेट्स को होगा। वहीं इस पर सऊदी अरब की खामोशी भी सारा माजरा बयां कर देती है। दरअसल इस शांति समझौते में सबसे बड़ा हाथ यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ही पिछले कई सालों से लगा हुआ है ताकि इसराइल को अरब देशों के साथ लाया जा सके। तुर्की और ईरान शुरू से ही अमेरिका की इस चाल को नाकाम करने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन जो काम यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कर पा रहा था वो काम तुर्की ने कर दिखाया है। अब तक अरब देशों को लीड कर रहा था सऊदी अरब, जिसकी बात सारे मुस्लिम देश मानते थे। इस तरह सऊदी अरब का रुतबा भी सबसे ऊपर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुस्लिम देशों में भी दो गुट मनते जा रहे थे। तुर्की शुरू से ही मुस्लिम देशों को लीड करने के सपने देखता रहा था। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब देशों पर सख्त हो रहा था। दूसरी तरफ ईरान की चीन के साथ दोस्ती भी अरब देशों के लिए महंगी पड़ सकती थी, इसीलिए यूएई को इससे बचने के लिए इसराइल से दोस्ती करनी बहुत ही जरूरी थी। वहीं सऊदी अरब की इस पर शांति इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब भी इस शांति समझौते का स्वागत कर रहा है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है, और इसका फायदा अमेरिका और भारत को सबसे ज्यादा होने वाला है। अमेरिका इतने सालों से अरब देशों से अपनी सेना निकालना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे वो जिम्मेदारी इसराइल को देनी होगी। इसराइल भी इस जिम्मेदारी से अपनी शक्ति को बढ़ा पाएगा। वहीं अमेरिका अब अगर अरब देशों में कहीं जंग लड़ना चाहेगा तो वो इसराइल को आगे कर सकेगा, यानी अमेरिका यहां से बाहर होते हुए भी यहां पर कंट्रोल कर पाएगा। तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जो इसराइल के दुश्मन देश हैं, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वहीं सऊदी अरब इससे तुर्की और ईरान को सबक सिखाने की तरह देख रहा है। भारत को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के रिश्ते सऊदी अरब और इसराइल दोनों से अच्छे हैं, लेकिन दोनों के खराब रिश्तों से भारत को एक तरफ होना पड़ जाता था। लेकिन अब इससे भारत दोनों देशों से रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ भारत अपने दुश्मन देशों जैसे तुर्की और पाकिस्तान को भी अलग थलग कर पाएगा। अब देखते हैं कि इस समझौते से अरब देशों पर क्या असर पड़ता है। हम उसकी वीडियो भी सबसे पहले लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।